छोटे से और एक मीठे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू चेसडेल तड़का मार के। मैं हूँ शोभना और मेरे साथ है शेफ जयनंदन। अब मीठा सा ब्रेक ले लिया है तो कुछ मीठा खिलाया जाए। जी जरूर, अब बारी है हमारे मीठे की, तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। और आज जो मैं बना रहा हूँ वो है बीटरूट हलवा। बीटरूट हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए बीटरूट आधा किलो, दूध 2 कप, शुगर 200 ग्राम, ग्रीन कार्डमम पाउडर 1 टीस्पून, सैफरन 1 चुटकी, घी 1 टेबलस्पून, आलमंड और पिस्ता चॉप किए हुए 2 टीस्पून, मावा 2 टेबलस्पून। यानी चुकंदर का हलवा। चुकंदर जी। ये आपके लखनऊ साइड में? हाँ, बीटरूट को चुकंदर कहते हैं। चुकंदर बोलते हैं। अरे वाह, बहुत सिंपल है और फटाफट बनेगा। जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था आलू का हलवा इससे पहले, बिल्कुल, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। और उसी फैमिली, उसी बिरादरी को बिलोंग करता है। और जब भी मैं कोशिश करता हूँ ऐसा कुछ करने की तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि हेल्दी फूड हो और अच्छा हो। ओके, मैं यहाँ देसी घी ले रहा हूँ। बिल्कुल, घी मैंने लिया है करीब करीब 2 से 2.5 टीस्पून। घी के हल्के गर्म होते ही इसमें हम बीटरूट जो कि मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, पील करके और ग्रेट करके। ये बॉइल्ड है या नहीं? ये कच्चा है, सिर्फ कच्चा। हाँ, ओके। और ये कुक होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, करीब करीब आपको 1 से 2 मिनट इसको घी के साथ हल्का सा कुक करना है। चलिए अब बारी है इसमें दूध ऐड करने की। यहाँ मैंने करीब करीब आपका 1 से 1.5 कप दूध डाला है इसमें, क्योंकि दूध के साथ ही ये हल्का हल्का जो आपका घी में पका हुआ बीटरूट है जी, वो जो थोड़ा बहुत उसमें अगर कच्चापन होगा तो वो दूध के साथ ही पक जाएगा। बबल्स आ रहे हैं, दैट्स लाइक एन इंडिकेशन दैट इट्स काइंड ऑफ रेडी। ओके, अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं करीब करीब 2 टेबलस्पून यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप अगर हल्का मीठा खाना चाहें तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। और बीटरूट का अपना ही कलर इतना अच्छा होता है कि देखते ही लगता है कि हाँ काफ़ी कलरफुल है, और हमेशा आँख में वो चीज़ अच्छी लगती है जो जितनी कलरफुल होती है। लगभग ये रेडी हो गया है। अब साथ ही साथ अब बारी आती है मावा यानी खोया ऐड करने की। ग्रेटेड मावा। तो यहाँ मैंने इसको ग्रेट करके रखा हुआ है और करीब करीब 2 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे खोया। राइट, we are going nutty over this right now, but it's time to add some nuts to this. और nuts से पहले हम थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब बारी है nut, तो यहाँ मैं पिस्ते chop हुए डाल रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे पास है chop बादाम। तो almond को पहले से ही मैंने chop करके रखा हुआ है। ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ कलर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी महक के लिए हम केसर ऐड करेंगे, क्योंकि ये खुद ही इतना लाल है कि इसको ज़रूरत नहीं है किसी कलर की, लेकिन हेल्थ के हिसाब से और फ्लेवर के हिसाब से देखा जाए तो केसर बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही मैंने इसमें केसर यूज़ किया है। हलवा ऑलमोस्ट डन है, करीब करीब आपको इसको टोटल कुक करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। बिल्कुल, चलिए ये रेडी है। अब बारी है प्लेटिंग की। कटोरी कंसेप्ट जो हम प्लेटिंग के लिए यूज करते हैं आ जाएगा, लेकिन हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और प्लेटिंग भी हम कर चुके हैं। अब बारी आ रही है थोड़ी सी गार्निश करने की। तो जो हमारे पास चॉप पिस्ता था वही हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और लाल के ऊपर जब ये हरा हरा पिस्ता दिखेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा साथ में। लीजिए, बीटरूट का हलवा रेडी है। बीटरूट हलवा बनाने का तरीका है, पहले एक पैन में घी डालकर उसे गरम कर, अब इसमें पील किए हुए और ग्रेट किए हुए बीटरूट को डाल दें। अब इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक घी में पकाएं, फिर इसमें डालें दूध और फिर शुगर। थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें डालें ग्रेटेड मावा या खोया, फिर इसमें डालें इलायची पाउडर और चॉप किए हुए पिस्ता और आलमंड्स को भी डाल दें। थोड़ा सा और पकने के बाद इसमें केसर या सैफरन डाल दें। लीजिए, तैयार हुआ आपका बीटरूट हलवा।
क्या बात है, मुंह मीठा करने का टाइम आ गया है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच शेफ जयनंदन। जितना अट्रैक्टिव ये दिखता है उतना ही ये टेस्टी होता भी है। बीटरूट का हलवा हेल्दी भी एंड टेस्टी भी है। वेरी नाइस रेसिपी जो शेफ ने आज हमारे साथ शेयर किया। अनदर एक्साइटिंग एपिसोड जो आपने देखा हमारे साथ चेसडेल तड़का मार के। मैं हूं शोभना एंड टाइम फॉर अस यानी कि बोथ ऑफ अस मी एंड द शेफ टू से बाय बाय। सी यू अनदर डे विद अनदर एपिसोड ऑफ चेसडेल तड़का मार के। Tip of the day is brought to you by Jif. Tough on dirt, gentle to surfaces. तो चलिए आज की जो टिप है आप लोग के लिए वो ये है कि जब भी आप पालक के पत्तों को बॉईल करते हैं या प्लांच करते हैं तो जैसे ही आप उसको बाहर निकालें तो एकदम तुरंत ठंडे पानी में डालें जिससे कि उसका हरापन बना रहे। और उसके बाद जब जैसे भी आपको यूज़ करना हो कट करके या उसकी पेस्ट बना के तो आप करें तो उसका जो हरापन है वो बरकरार रहेगा।